मेरा नाम जावेद है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ओएसिस वैली जो गुजरात के अंदर है, बहुत लंबा सफ़र है वहाँ से यहाँ तक का आने में। पर जब मैं घर पे था तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कोविड चल रहा है। घर वाले भी परेशान थे कि कोविड में कैसे ये एक जगह से इतनी दूर जा रहा है, गुजरात जा रहा है। पर जब मैं दिल्ली में था तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं वहाँ पे अभी भी स्टिल। पर रास्ते में और भीड़ भाड़ जैसे एरियो में बहुत मुश्किल होता है बचना कोविड-19 से। पर मैं गुजरात आया, गुजरात के अंदर ओएसिस वैली में आया, जिनका एक मैंने सिस्टम देखा कि कैसे वो अभी भी इस कोविड के अंदर प्रोग्राम चला रहे हैं और बच्चों के अंदर आग जिज्ञासा स्पिरिट्स डाल रहे हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें। और कोविड की जहाँ तक की बात है ओएसिस वैली में, वो ये है कि यहाँ पे बच्चों को इतना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उनके रूम में रहना, उनका खाना पीना, उनकी सेफ्टी, वो देखना तो लाजवाब है कैसे वो चला रहे हैं। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट चलाना है गवर्नमेंट के लिए भी और ये सब के लिए, तो वो ओएसिस एक एग्ज़ाम्पल है कि ऐसे स्टेजेस में भी वो सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है और बच्चों की इतनी सेफ्टी है कि उन्हें जरा सा भी कोई भी जुकाम खांसी वासी हो जाती है तो उसकी बहुत मतलब देखभाल करते हैं। उसका अलग से रूम बना रखा है जिसे क्वारंटाइन कहते हैं, उसके अंदर उसको रखते हैं। जब लगता है हाँ इम्प्रूव कर रहा है या सही है, इसमें सिम्टम नहीं है, तो उसको फिर वो बाहर रखते हैं बाकी बच्चों के साथ। शुरू में ऐसा करते हैं कि कोई भी बच्चे आपस में मिल नहीं सकते, ज़्यादा रूम से बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड के अंदर 6 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए बच्चों को इधर एक साथ एक जगह पे रखा भी नहीं जाता है, अलग अलग हॉल बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है ताकि वो अलग अलग रहें और हम इस महामारी को रोक सकें।